एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बे टू लाइफ इज सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज चुके हैं 10 और मैं 10 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला। इसलिए ऑफिस से आने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद ही मुझे टाइम मिलता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं यार, आज मैं नहीं रेस्ट करूँगी, पहले मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि ये जो वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि मैं आज ये वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और हाँ गाइस, पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल रेंज में मैंने अपना बैकग्राउंड सेट कर लिया है। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सब मैंने मीशो से मंगवाया है। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने अपना बैकग्राउंड कैसे क्या सेट किया हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, आज की मेरी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर पुराने हैं वो भी मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है हमारा एक मेंस्ट्रुअल कप, जिसके बारे में सभी लेडीज़ ऑलरेडी जानती होंगी। एंड हाँ, ऐसा नहीं है, कई सारे बॉयज़ भी जानते होंगे कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि मेंस्ट्रुअल कप होता है पीरियड्स के टाइम में जो हम यूज़ करते हैं, वो होता है मेंस्ट्रुअल कप। बॉयज़ नहीं जानते होंगे इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है, देखिए कई लोग सोच रहे होंगे कि देखिए लेडीज़ की चीज़ है या फिर लड़कियों को ये बात बतानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आजकल गर्ल्स एंड बॉयज़ बराबर होते हैं और सबके घर में वाइफ होती है और बहने होती है, मदर्स होती है। तो यार, ऐसी चीज़ें हमें छुपाना नहीं चाहिए, सबके साथ में शेयर करना चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ढूंढ पाए और किसी की हेल्प कर पाए। तो मेरा ये मेन मोटिव है कि यार, हम अपनी नॉलेज की चीज़ें दूसरों के साथ में शेयर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता है किस टाइप का आता है, सबसे पहले तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेंस्ट्रुअल कप कुछ इस टाइप का आता है, शायद सभी ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसका यूज़ क्या है और कैसे किया जाता है और यूज़ के बाद कैसा फील होता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी मिली, ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, तो मीशो वालों ने काफ़ी मुझे अच्छी पैकेजिंग दी। और हाँ, मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी ऐसा प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मुझे कैसा फील हुआ, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और हाँ, मुझे नहीं पता कि आज तक जितने भी लोगों ने इस पर जो भी वीडियोस बनाई है वो सही बनाई हैं या गलत बनाई, मुझे नहीं पता, वो उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, लेकिन आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया और फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया, उसके बाद जो मेरा रिएक्शन था वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, ये साइज़ दिया हुआ है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो आपका जो भी साइज़ है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था जो कि मेरे लिए ठीक था। और हाँ, जहाँ पीरियड्स के टाइम पे हम मतलब पैड वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए है। कई सारे लोगों ने सोचा होगा, पहले तो दीदी ने बताया नहीं कि किस चीज़ के लिए है। तो पीरियड्स में हम जो पैड यूज़ करते हैं, पैड की जगह हम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार, कैसे यूज़ करेंगे इसे, ऐसे तो नहीं लगा सकते ना, तो कैसे ये हम अपनी वेजाइना में इंसर्ट करेंगे और ये कैसा वर्क करेगा। बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में थे मेंस्ट्रुअल कप को लेके कि यार, एक्चुअल में यार ये क्या चीज़ है और ये कैसे मतलब पॉसिबल है। मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत यार, बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में ये बातें चल रही थी कि यार इसे कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसा फील होगा और कैसा लगेगा। तो देखिए, इस पर सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है और ये मुझे पड़ा है 499 रुपीज़ का। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, ये मुझे 500 रुपीज़ में पड़ा है। एंड हाँ, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई कि हैंड वॉश, आप अपने हैंड वॉश करने के बाद ही मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करें। एंड सेकेंड, इन्होंने नहीं दिए, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी कि जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप ऑर्डर करते हैं या मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो सबसे पहले आप उसे वॉश जरूर करें, क्योंकि यार सेफ्टी सबसे पहले। तो फर्स्ट हमारी स्टेप होती है कि हमें हैंड वॉश करना है, सेकेंड स्टेप हमारी होती है कि जैसे हम इसे ओपन कर रहे हैं उसके बाद इसे अच्छे से वार्म वाटर में या कोल्ड वाटर में जो भी है उसमें हमें अच्छे से क्लीन करना है। और थर्ड हमारी आती है कि इसे इंसर्ट कैसे करें वेजाइना के अंदर, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए कई सारी
इस पे तो जो दिया गया है वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने तो ये चीज़ बताई गई है कि आप इसे, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, इसकी साइड में जो दो होल दिए हैं वहाँ से आप इसको हल्का सा प्रेस करके इसे ऐसे फोल्ड करके भी आप अपनी वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हो। ये आपका मतलब सभी शायद ऐसे ही बताते हैं, बट मुझे तो इस पर जो दिया गया है वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैंने जहाँ तक देखा है इसे ऐसे सी वाला आकार देकर आप अपनी वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हो। और हाँ, एक और बात देखिए, वेजाइना हमारी ड्राई होती है तो बहुत प्रॉब्लम होगी इसे इंसर्ट करने में, तो आप इस पर ऑयल का यूज़ कर सकते हो, हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, अपनी वेजाइना पर भी अप्लाई कर सकते हो ताकि ईजीली ये आपकी वेजाइना में इंसर्ट हो सके। ये फर्स्ट तरीका है। सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, इसको ऐसे ही मोशन में हमें यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड करके ये वाला जो आकार है ऐसा देकर भी आप अपनी वेजाइना में इसे इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे ही ये आपकी वेजाइना में इंसर्ट होगा ये धीरे धीरे अंदर जाकर पूरा खुल जाएगा। तो आप लोगों को इजीली समझ में आया कि आप मेंस्ट्रुअल कप को अपनी वेजाइना के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे। आई होप आ गया होगा बहुत अच्छे से, और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है जो कि आप इजीली पढ़कर आप यूज़ कर सकते हो। और इन्होंने बताया कि इसे कैसे खाली करना है, तो जिस तरीके से आपने इसे प्रेस किया था ऐसा करके आपने अंदर प्रेस किया था, तो देखिए हमारी वेजाइना है, इसके अंदर हमने इसे प्रेस किया, ये खुल गया। जब हमें इसे निकालना है तो धीरे से हमें यहाँ से इसे पकड़ के धीरे से पीछे की साइड में खींचना है ताकि इसमें जो भी ब्लड है वो आप वेस्ट ब्लड जो भी होता है वो बाहर आप फेंक कर इसे वापस से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। एंड हाँ, इसे हम कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, देखिए कंपनी के अकॉर्डिंग तो इस पर लिखा गया है कि आप इसे 8 ईयर्स यानी कि 8 साल तक एक ही मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर सकते हो। तो मतलब यार देखा जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि हम महीने में मतलब यार एक महीने में हम कुछ भी अच्छे से अच्छे पेट के ऊपर भी हम अगर खर्च करते तो 50 रुपीज़ हम खर्च करते हैं, ठीक है। ये मुझे 500 रुपीज़ में पड़ा है, तो आप मतलब हिसाब लगा लीजिए कि कितना क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ये हमें ज़्यादा सस्ता है। और रही बात यूज़ की, तो वो अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गाइस, इसको लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी और जितनी भी लोगों से सुना है तो सभी लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा है, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के बाद हमारी लाइफ बदल गई या हमारी मतलब सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, हम स्विमिंग कर पाए, हम रनिंग कर पाए, हम ये वो सब चीज़ें जो भी हैं इवन सब कर पाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात तो गाइस ये मुझसे इंसर्ट हुआ ही नहीं, लिटरली गाइज यही सच्चाई है, ये मुझसे बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं हुआ अपनी वेजाइना में। मैंने सारी कोशिश से कर ली, मैंने जो भी पोजीशन थी वो भी ट्राई कर ली, मैंने एक पैर अपना चेयर के ऊपर रखा, एक नीचे रखा, उसके बाद मैंने इसे इंसर्ट करने की कोशिश करी, ये नहीं हुआ। मैंने नीचे बैठ कर भी कोशिश करी, मुझसे नहीं हुआ। और आप बात नहीं मानोगे, मैंने अच्छे से ऑयल भी इस पर लगा कर देखा, वेजाइना पर भी ऑयल लगा कर देखा, उसके बाद भी ये मुझसे इंसर्ट नहीं हुआ। और लिटरली गाइस मुझे रोना आ गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ये जैसे यार ये दिखने में मतलब ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा शायद, पर मुझे नहीं, मैंने जैसे ही इसको अंदर की साइड में ऐसे करके अंदर की साइड में डाला वेजाइना में, तो यार इतना ज़्यादा पेन होने लगा, इतना ज़्यादा पेन के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई और ये मुझसे इंसर्ट ही नहीं हुआ। तो यार ये जब मुझसे इंसर्ट ही नहीं हुआ तो मैं इसका क्या करूँ, मतलब मैंने तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें सोच ली थी कि यार मैं भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करूँगी और यूज़ करने के बाद में मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, मतलब मैं भी स्विमिंग कर पाऊँगी, रनिंग कर पाऊँगी, सब कुछ इवन सब कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये मुझसे नहीं हुआ। और मैं ये नहीं कहती कि ये वर्क नहीं करता, ये वर्क करता है, क्योंकि यार सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते। अगर जिन लोगों ने इसे इंसर्ट कर लिया होगा वो उसके लिए बहुत बेटर है, बट मुझसे ये इंसर्ट नहीं हुआ। तो अगर आप इसे परचेस करते हैं तो यार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी सारी चीज़ें हमने सुना है तो ऑलरेडी अच्छा ही होगा, लेकिन अगर ये इंसर्ट नहीं होता है तो ये आपके लिए बेस्ट है। और अगर ये इजीली आपकी वेजाइना में इंसर्ट हो जाता है तो बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं है, मेरे 500 रुपीज़ वेस्ट गए, बट जहाँ तक सुना है सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है और सबके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, बट मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये
कहीं से कहीं मुझे गया ही नहीं अंदर, तो ये कहाँ से मेरे लिए यूज़ वाली चीज़ हो सकती है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों के साथ में क्लियर करी। एंड हाँ गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियो के साथ में। एंड हाँ गाइस, आप ये मत सोचिएगा कि यार दीदी ने मेंस्ट्रुअल कप को लेके ये राय दी है तो जो मेरे साथ हुआ वही मैंने आपको बताया। अगर मैं झूठ बोलती, मैं बोलती कि नहीं यार गाइस बहुत अच्छा है, बहुत इजीली इंसर्ट हो जाता है और आप लोग भी खरीद लीजिए, तो यार ऐसा मैं क्यों करूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, ये मुझसे नहीं इंसर्ट हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी, सब कुछ करके ट्राई किया, ये फिर भी वेजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाया और मैं इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो यार ये मेरे लिए किसी काम की चीज़ नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी भी करके इसे इंसर्ट कर सकते हो तो ये आपके लिए काम की चीज़ है, तभी आप खरीदें, वरना नहीं। पेड सबसे बेस्ट है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए।